के लिए तो दे रिजेक्ट एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन वेदर इन एजुकेशन और इन जॉब्स ऑन रिलीजियस लाइंस, बट व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ लॉ जो मजहब की बुनियादों पे है तो दे गो टू पूरा वो चले जाते हैं इसमें पार्लियामेंट में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी बहनें हमारी बच्चियां गई, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड करार दिया है। इस्लाम में इसको बिद्दत कहा जाता है, इस्लाम रिजेक्ट्स इट, पर उसके बावजूद और ये भी है कि इतने बड़े पार्लियामेंट में नॉट अ सिंगल मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट हैज़ सपोर्टेड दिस बिल, पर इंस्पाइट ऑफ दैट जो मुसलमान जो लोग हैं दे वॉन्ट टू अबाइड बाई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, चाहे बाबरी मस्जिद पर आए चाहे इस पे आए, वी आर रेडी टू अबाइड बाय दैट, मगर उसके बावजूद सबरीमाला का जो है ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं मानते हैं। बाबरी मस्जिद के लिए खुलम खुला कहते हैं कि जो भी डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का, मंदिर फिर भी वहीं बनेगा, पर उसके बावजूद मुस्लिम्स आर वेरी ओबीडियंट, दे आर ओबेइंग द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन ट्रिपल तलाक, दे आर ओबेइंग द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन बाबरी मस्जिद, पर उसके बावजूद जो इस वक्त हो रहा है ये ठीक नहीं है। इसमें हमारा ये मानना है कि जो ब्रोकन मैरिज, आई थॉट इट इज़ माय ड्यूटी टू स्पीक आज के वक्त में व्हेन देयर इज़ एन असॉल्ट ऑन द फैमिली स्ट्रक्चर जो मुस्लिम्स का है। अनफॉर्चुनेटली दिस गवर्नमेंट हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ क्रिएटिंग डिवीजन ऑन रिलीजियस एंड सेक्रेटेरियन लाइव्स secretarian lines, and we have been witnessing lynching and ostracization, which is going up. It's an alarming scale. So aaj jo hamare jo Muslims mein we take pride, hame is pe fakhr hai ki hamari jo family structure hai, jo bonding hai, wo bahut strong hai. Khali Muslims nahi, jo east mein जितने भी हिंदू सिख्स और दूसरी फेथ के लोग रहते हैं, एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कल्चर हमारा फैमिली स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, पर अनफॉर्चुनेटली आफ्टर द इकोनॉमिक ऑनस्लॉट ऑन मुस्लिम्स थ्रू कर्ब्स ऑन मीट एंड लेदर, जिसमें हमारे मुस्लिम लोग जो हैं वो लेबर्स का काम करते थे, वेज अर्नर्स का काम करते थे, उसके बाद जिसकी वजह से मुस्लिम्स की इकोनॉमिक हालत ऑलरेडी ख़राब हो गई है, पर दिस ये जो ट्रिपल तलाक का बिल लाके इससे हमारे घरों में ये लोग घुस गए हैं, और इसकी वजह से हमारी जो है फैमिली लाइफ तो डिस्टर्ब होगी होगी, पर इकोनॉमिकली भी जो जो एक औरत है उसके लिए और भी मुश्किलात होंगी, और आदमी के लिए, बिकॉज मैरिज एज यू ऑल ऑफ नो कि हमारे यहाँ मुसलमानों में मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, और औरत को डेजर्ट करना, छोड़ देना बहुत बुरी बात है बुरे हाल में, मगर इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर दो लोग एक साथ नहीं रहना चाहते हैं दे हैव टू आपस में सुलह सफाई से वो अलग हो सकते हैं, मगर मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू अ ब्रोकन मैरिज एंड आई फील औरत के